हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टीचिंग मैप पे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने दो चैप्टर ख़त्म किए हैं, पहला लिविंग वर्ल्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने लिविंग को समझा और साथ में ही वो लिविंग बायोलॉजिकली कैसे अपने आप को क्लासीफाई करते हैं, कैसे अपने आप को डिफाइन करते हैं, कैसे उस तरह के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके अपना फंक्शन को शो करते हैं। अलग अलग तरह के हमने हैबिटेट पढ़े, अलग अलग तरह के हमने ऑनियंस के बारे में पढ़ी। तो हमने सभी तरह के ऑनियंस को, एनिमल्स को, चाहे वो माइक्रो हो मैक्रो हो, हमने देखा उसके लाइफ को, हमने समझा। अब इसमें इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं प्लांट के बारे में, जो किंगडम है प्लांट प्लांटे। ये फोर्थ किंगडम है जो आर.एच. वेटिकल साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था फाइव किंगडम को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, किंगडम है प्लांटे, सॉरी प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये है फोर्थ किंगडम जो है प्लांटे का। तो इस प्लांट किंगडम में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, चाहे उसका क्लासिफिकेशन हो, चाहे उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे उसका पूरा ओवरऑल उसका डेवलपमेंट ही क्यों ना हो, हम सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन है उसके हायरार्की को हम समझने वाले हैं। तो इसमें चार पाँच पॉइंट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स का। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि डिफरेंशिएट बॉडी कि किन किन कौन कौन तरह के प्लांट्स में होता है वो हम समझेंगे। अगर हम पहले पॉइंट्स को समझें कि कौन से प्लांट में डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है या नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग समझें। अगर हम पूरे प्लांट्स की हायरार्की में देखें तो हेलोफाइटा में यही एक डिवीजन है, कैटेगरी है हेलोफाइटा। इस हेलोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होता, रूट, फ्लावर, स्टीम, ये जितने भी अलग अलग हैं पार्ट्स, वो एक प्लांट का डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी कहलाता है। तो हम थैलोफाइटा में देखें तो थैलोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होता। इसके अलावा जितने होते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन प्लांट्स होते हैं, सभी में डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स होता है। तो पहला बेसिस यहीं पे ओवर। अगर हम सेकेंड बेसिस समझें, वैस्कुलर टिशू। अगर हम वैस्कुलर टिशू की बात करें तो वैस्कुलर टिशू में जो थैलोफाइटा के बाद आता है अपना ब्रायोफाइटा, तो जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी है बायोफाइटा, इसमें वैस्कुलर टिशू नहीं पाया जाता। वैस्कुलर टिशू का मतलब है कि ऐसे टिशू जो फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे, जैसे जाइलम फ्लोएम, ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो उसके फूड या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो हम बायोफाइटा कैटेगरी में देखें तो इनमें जनरली वैस्कुलर टिशू नहीं पाए जाते। अगर हम थर्ड के समझें, थर्ड पॉइंट को लें, जो कि है ये सीड प्रोड्यूस करते हैं नहीं करते। अब हमने देखा कि थैलोफाइटा में डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता, ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होता। अगर हम थर्ड कैटेगरी जाएं, तो ये सीड प्रोड्यूस कौन करता है नहीं करता उस पे जाएं, तो जो टेरिडोफाइटा है थर्ड कैटेगरी, टेरिडो फाइटा को अगर हम समझें तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर हम वहीं समझें किसको, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म को, तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फोर्थ जो थर्ड पॉइंट था क्लासिफाई हो गया। अब हम फोर्थ को समझें, फ्लावर और सीड कोट के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे जो होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट, इसमें जो प्लांट्स आते हैं उनके सीड में कोई कोट नहीं होता और ना ही उनमें फ्लावर पाया जाता है, पूरे लाइफ टाइम वो फ्लावर नहीं देते। अगर हम बात करें कोटिलेडोन की, तो कोटिलेडोन सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही देते हैं,
तो जनरली कोटिलेडॉन टू टाइप्स का होता है, एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट जिसमें सिर्फ वन ही कोटिलेडॉन हो, वन कोटिलेडॉन मतलब होता है वन पार्ट, सीड का वन पार्ट, और डाइकॉट मतलब होता है टू पार्ट, वन पार्ट सेकेंड पार्ट, ये होता है डाइकोटिलेडॉन। तो ये कोटिलेडॉन के बेसिस पे जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट ये दो कोटिलेडॉन में डिवाइड रहता है, मोनोकॉट भी होता है और डाइकॉट भी होता है, दोनों तरह कोटिलेडॉन को ही रखता है। तो ये एक प्लांट का ओवरऑल क्लासिफिकेशन था, और क्लासिफिकेशन ही एक हायरार्की को तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, किसी में डिफरेंशिएट बॉडी होता है नहीं होता, वैस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे, उसके फ्लावर है या नहीं है उसके बेसिस पे, ऐसा प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है नहीं करता उसके बेसिस पे, हमने अलग अलग बेसिस पे हमने एक प्लांट को क्लासीफाई कर डाला। तो इस प्लांट को क्लासीफाई करते ही इसके डिवीजन भी डिवाइड होते हैं। अगर हम प्लांट को क्लासीफाई ही ना करते तो हमें कैसे मालूम चलता कि एक प्लांट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के। अगर हम प्लांट के क्लासिफिकेशन में जाएं तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट के क्लासिफिकेशन में, वो होता है डिवीजन का, बाकी सब कुछ सेम होता है। किंगडम टू स्पीसीज, सिर्फ डिफरेंस होता है डिवीजन में, बाकी सब सेम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके डीपली हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।